गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 3.6। जो 3.6 है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एचसीएफ के रहते हैं। एचसीएफ हमने पहले पढ़ लिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है। कोई भी दो हम सिंपल एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाले तो जो भी दो टर्म्स दिए होते हैं उनमें जो कॉमन मल्टीपल्स रहते हैं वो हमारा एचसीएफ कहलाता है, या कॉमन फैक्टर्स रहते हैं वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो हम पहले जो क्वेश्चन है वो सिंपल एलसीएम या सॉरी सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिविजन मेथड लगाएंगे 18 एंड 48। तो हम पहले 18 का और फिर 48। तो हम जैसे 18 लिखा तो 2 कटेगा, जैसे 2 9 3 3, फिर दोबारा 2 2 4 12 6 3 1। किया क्या हमने, दोबारा देख लो, हमने 2 से जब 18 को डिवाइड किया तो 9 आंसर आता है। डिवाइड कैसे किया, सिंपली डिवाइड ऐसे ही करना है, 2 9 18, बार बार ये डिवाइड ना करें तो टाइम लगेगा वरना। 2 9 18 हुआ तो 9 यहाँ, फिर 3 का टेबल 3 3 9, जो आंसर आएगा इधर 3 1 3, वैसे 2 2 4। अभी 48 वाला कैसे सॉल्व किया ये देख लेते हैं। 48 लिखा 2 2 4, 4 कट गया 8 आ गया, वैसे 2 4 8 24 है, वही क्या यस 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 6 3 6, 3 1 3। तो हमारा जो इसका एक पार्ट था, वन फेज था, वो सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं सीसी क्वेश्चन में, अब अभी कॉमन निकाल, कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आएगा इसी क्वेश्चन का पार्ट है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं और 3 कॉमन आ रहे हैं, 2 एंड 3। हमारे पास कॉमन क्या आया, सिर्फ पहले वाले से 2 और दूसरे वाले से 3 आया, तो जो एचसीएफ रहेगा एचसीएफ वो कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 आंसर। ये हमारा सिंपल मेथड है एलसीएम, इससे हम अभी 3 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम डिवीजन मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड का बी पार्ट है, फर्स्ट का बी पार्ट दैट इज 32 42। तो एलसीएम निकालना है 30 का और 42, दोबारा से वैसे 2 का टेबल, 2 1 2 1, कैरी बचा वो इधर लगा रहा है, 2 5 10 हो गया, फिर 3 3 5 15 5 1 5, फिर 2 से 2 2 4 2 1 2 3 का टेबल 7 7 1 7। तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे दोबारा से, दोनों में कॉमन क्या रहता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आता है हमारे पास, एक कॉमन आ गया 2 और दूसरा आ गया 3। एचसीएफ क्या रहेगी, मल्टीप्लाई करने 2 मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल टू 6। तो अब हम इन क्वेश्चन करने के बाद होमवर्क रहता है, सी पार्ट है, डी ई एम एफ पार्ट, सी पार्ट का 18 60 20 7 63 36 84 and 34 10। ये क्वेश्चन सॉल्व करें, हम जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अब डिवीजन मेथड से करेंगे ऐसे, बाद हमने एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्कस किया क्या क्या, दोबारा देख लो, दोनों के एलसीएम निकाले, जो भी कॉमन रहता है वो राइट करते हैं, और एलसीएम में जब भी लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन मल्टीपल्स का। ओके,